यूपी के कासगंज में हिंसा थम नहीं रही है। बड़ा सवाल यह है कि कब तक जलता रहेगा कासगंज। आज सुबह सुबह यूपी के कासगंज में फिर से हिंसा और आगजनी की गई। बड़ी बातें आपको बताते हैं, अब तक इस हिंसा में क्या हुआ है। यूपी के कासगंज में आज सुबह फिर आगजनी हुई, लगातार तीसरे दिन आज भी कोहराम। दो दिनों से कासगंज में हिंसा आगजनी जारी है। दुकानों, बसों और सड़कों और गाड़ियों पर आगजनी की जा रही है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कासगंज में आज भी हिंसा हुई। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान से ये हिंसा शुरू हुई जो अब तक नहीं रुकी है। 26 जनवरी को गोली लगने से एक युवक की मौत हुई, जिसके बाद बवाल बढ़ता ही चला गया। कल युवक के अंतिम संस्कार के बाद फिर हिंसा भड़की। अंतिम संस्कार के बाद दो गुटों में भीड़ बढ़ गई और हिंसा की। हिंसा में अब तक 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 40 लोग हिरासत में है। कासगंज में आज शाम तक इंटरनेट सेवा पर रोक है। तो कासगंज लगातार तीन दिनों से जल रहा है सांप्रदायिक हिंसा की आग में। कासगंज हिंसा में जिस युवक चंदन की मौत हुई उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पुलिस कमिश्नर का बयान सुनाते हैं। कासगंज हिंसा में जिस युवक चंदन की मौत हुई है वो तीन भाई बहनों में मझला था। और कासगंज हिंसा को लेकर एडीजी आनंद कुमार से एबीपी न्यूज संवाददाता ने बात की है। इलाके में अब तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, उसको लेकर क्या कहना है एडीजी का पंकज झा से, वो आप सुनिए। कासगंज में तीसरे दिन की शुरुआत एक दुकान के जलने से हुई है। तीन दिनों से यहाँ हालात बेहतर नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं, क्या स्थिति है और कैसे सुधरेंगे, बात करते हैं इलाके के एडीजी अजय आनंद और हमारे साथ कमिश्नर सुभाष चंद जी भी हैं। क्या सर, तीन दिन हो गए, लोग यही पूछ रहे हैं कि कासगंज अभी भी जल रहा है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कहीं तीन दिन में जो प्रारंभिक दो घटनाएं हुई थी उसको उसके बाद कहीं कोई झड़प की कोई सूचना नहीं है। हम लोग के पुलिस के प्रयास से कहीं किसी दो पक्षों में कहीं लड़ाई नहीं हुई है, ना किसी तरह का कोई जुलूस निकालने का प्रयास किया गया है, ना हम लोगों को इकट्ठा होने दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा जो हमारे प्रयास के चलते हैं कि किसी भी जनहानि की सूचना नहीं हुई है। ये जरूर है, मैं आप कहना चाहूँगा कि छिटपुट जगहों पे जो विशेषकर जो निर्जन स्थानों पे जो ऐसे खोखे हैं, या तो लवारिस खोखे हैं या कबाड़ की गाड़ियां हैं, अभी तक जो भी 4-5 गाड़ियों के जलने की सूचना हम लोग को मिली है और जो जली है वो सब कबाड़ की गाड़ियां हैं। तो ऐसे निर्जन स्थानों पे जहां लोग कबाड़ की गाड़ियां रख देते हैं, फेंक देते हैं लवारिस स्थिति में, या निर्जन जगह पे जो खोखे हैं उसमें ज़रूर आग लगाई गई है। और आज सवेरे भी एक ऐसे ही शहर के बाहर आग लगाने की घटना हुई है, जिसको सूचना मिलते ही तत्काल फायर टेंडर भेज के उस पर काबू है। कि एक सुनिश्चित तरीके से कोई पैटर्न है, कुछ ग्रुप है जो लगातार अलग अलग हिस्सों में जाके कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, किसी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे तत्वों, शरारती तत्वों को चिन्हित किया है। कल भी प्रिवेंटिव अरेस्ट बहुत बड़ी संख्या में हुई है, और आज भी जो हम लोगों को जो हमारे इनपुट्स मिल रहे हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस से इनपुट्स मिलती हैं, लोगों से इनपुट्स मिलती हैं, तो इन सभी शरारती तत्वों के घर दबिश जारी है और कुछ शरारती तत्व इसमें उठाए भी गए हैं। कमिश्नर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ऐसे हालात थे तो क्या कर्फ्यू लगाना उचित नहीं था? देखिए, आपने देखा होगा कि लोगों के आने जाने पर कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इवन हम लोग सभी लोगों को फैसिलिटेट ही कर रहे हैं। ये जो घटनाएं कल की रही हैं, ये अधिकांशतः शुरुआत में जरूर एक सेंटर पॉइंट रहा है, सभी आउटस्कर्ट्स के इलाकों में की घटनाएं हैं। अब वहाँ पर भी जो अगेन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है, वहाँ फोर्स रहती है, मूवमेंट में रहती है, ऑल ऑफ ए सडन वहीं से ही कहीं से बच्चे कुछ निकलते हैं और जो उपेक्षित सा सामान रहता है, इवन कुछ कूड़ा कटरा जो झाड़ू लगा करके हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी भी उसमें भी, या कबाड़ की जो गाड़ियां रहती हैं, खोखे हैं, जैसे एडी साहब ने बताया था। आज मॉर्निंग में भी ऐसी घटना है, यहाँ से शहर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर एकदम बाहर का इलाका है, वहाँ पर एक उपेक्षित खोखे को एक आगजनी घटना हुई है। बहस छिड़ी है कि क्या तिरंगा लेकर निकलने पे भी किसी की जान चली जाएगी, मतलब देश इस तरह के सवाल पूछ रहा है। देखिए, तिरंगे को हम सब लोग सलाम करते हैं,
सर्वोच्च सम्मान का हमारा प्रतीक है हिंदुस्तान का, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। उस दिन की जो घटना रही है वो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है परसों की, और हम सब लोग पुलिस लाइंस में सब लोग मौजूद वो थे, इकट्ठे हुए थे, तो कहाँ कुछ गफलत जरूर रही होगी। कैसे वहाँ पर लोग पहुँचे, क्या वहाँ पर विरोध हुआ, उसको पूरा हम लोगों ने डिटेल से समझने की कोशिश की है। जांच उस पर बैठा दी गई, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कोई SIT बनाई गई है और कितने अरेस्टिंग हुए हैं अभी तक सो फार? देखिए, सब्सटेंसिव सेक्शंस में 9 अरेस्ट हुए हैं और रात तक हमारे 50 प्रिवेंटिव अरेस्ट थे। रात में कुछ और अरेस्ट हुए जिसके फिगर मैं आपको 1 घंटे के बाद, अगर बिल्कुल एक डेफिनेट फिगर, स्पेसिफिक फिगर पूछना चाहिएगा तो मैं आपको 1 घंटे के बाद दे दूंगा। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि लोग किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के अथक प्रयास से और आपकी और जनता के सहयोग से कासगंज आगामी 24 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसमें बहुत आप लोग का भी सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। नहीं, पूरा देश ये चाहता है कि शांति हो, अमन चैन हो, और इंटरनेट की सेवाएं आज रात तक के लिए बंद कर दी गई हैं। कैमरामैन CK सिंह और सहयोगी राकेश के साथ पंकज झा, ABP न्यूज, कासगंज। तो ADG आगरा को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना था कि कोई जनहानि नहीं हुई इसलिए कर्फ्यू नहीं लगाया गया, सिर्फ खाली पड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई, खाली खोखों में आग लगाई गई, जनहानि नहीं हुई इसलिए कर्फ्यू नहीं लगाया गया। कासगंज हिंसा में जिस युवक चंदन की मौत हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं। वो 3 भाई बहनों में मझला था, BCOM सेकेंड ईयर का छात्र था। मृतक चंदन की कहानी आपको बता रहे हैं। 3 भाई बहनों में मझला था चंदन, BCOM सेकेंड ईयर का छात्र था। चंदन CA बनना चाहता था और सामाजिक कार्यों में भी आगे रहता था, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था चंदन। ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगवाता था, गरीबों में कंबल बांटा करता था। चंदन की 26 जनवरी को गोली लगने से मौत हो गई थी। पिता की मेडिकल स्टोर की दुकान है और 3 भाई बहनों में मझला है चंदन। कासगंज में 26 जनवरी को जब बवाल शुरू हुआ तब गोली लगने से चंदन नाम के युवक की मौत हो गई। कल चंदन के अंतिम संस्कार के बाद फिर हिंसा भड़की। चंदन के परिवार से बात की संवाददाता पंकज झा ने। माँ होने के नाते क्या चाहती हैं चंदन के लिए? चंदन तो रहा नहीं है। चंदन है, चंदन है, चंदन है, चंदन आएगा, मैं ढूंढ लूंगी। ये सब चले जाएंगे, चंदन है ढूंढ लूंगी मैं, सब मैं पकड़े हैं सब रे, मैं ढूंढ लाऊंगी लल्ला, मैं लल्ला ढूंढ लाऊंगी, मेरा इंसाफ। मुर्दाबाद नहीं बोला, क्या कह रही है? मेरा भाई ने बस हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, बस इसलिए उसको गोली मार दी। किसने बताया? बोल लोग बोल रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने कहा नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपका भाई भी तिरंगा यात्रा में गया था? सुबह सुबह उठ के गया था, मम्मी मैं तिरंगा फहराने जाऊंगा, अगर नहीं गया तो सारी पैसी यही आ जाएगी, मम्मी मेरे को जाने दो, मैं जाऊंगा, मैं बंदे मात्र। आपको उस दिन दिल्ली में थी कीर्ति? दिल्ली में योगी के मंदिर में अभी उसने भंडारा करा था। मैं लल्ला कहाँ भेजी है मम्मी? योगी मंदिर है, चंदन की माँ और चंदन की बहन वो तिरंगा लेकर, उस तिरंगे को लेकर के वो यहाँ धरने पर बैठी हैं, जिस तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा पर निकला था। उसकी बहन कीर्ति भी जो उस वक्त दिल्ली में थी, दिल्ली में पढ़ाई करती है, उनकी माँ जो माँ बार बार कह रही हैं कि चंदन यही है, घर वालों का आरोप है कि उसे दूसरे तरह के नारे लगाने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों ने मजबूर किया, और जब उसने नारे नहीं लगाए तो फिर उसकी जान ले ली गई। और ये हालात अभी भी चिंताजनक हैं कि जिसकी मौत हुई उसका परिवार सड़क पर है, वो मांग कर रहा है कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए, और ये वाकई में जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती की बात है। चंदन की हत्या गोली लगने से हुई, तो जाहिर सी बात है कि हथियार भी होंगे तभी गोली चली है, और चंदन की मौत के बहाने उसके बिलखते परिवार की कहानी भी उतनी ही दर्दनाक है।
पंकज झा, एबीपी न्यूज, कासगंज। तो आपने देखा चंदन के परिवार का किस तरह रो रो कर बुरा हाल है। साफ तौर पर चंदन की मां और बहन ने कहा कि चंदन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा। और ये तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं चंदन की, कंबल बांटते हुए चंदन किस तरह सामाजिक कार्यों में आगे रहता था, हमने आपको पहले भी बताया। और ये तस्वीर चंदन की जिसकी 26 जनवरी को गोली लगने से मौत हो गई। ये देखिए ब्लड डोनेशन कैंप्स भी वो लगवाता था ब्लड डोनेट करते वक्त की उसकी तस्वीर, और ये कंबल बांटते हुए गरीबों में चंदन नजर आ रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।